जबलपुर के गढ़ा क्षेत्र में एक व्यक्ति पर बदमाश लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ित व्यक्ति किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागा और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़ित व्यक्ति ऋषि दुबे ने बताया कि वो शाम को अपने घर शारदा चौक के लिए जा रहा था, तभी रास्ते में राहुल विश्वकर्मा और रिंकू अहिरवार मिले। दोनों आरोपी उस पर धारदार हथियार से हमला करने लगे। किसी तरह पीड़ित जान बचाकर वहां से भागा और पुलिस को इस बारे में खबर दी। पीड़ित ने यह भी बताया कि उसके बुआ के लड़के से उसका विवाद हुआ था। विवाद को उसने किसी तरह समझा बुझाकर खत्म कराया, लेकिन रिंकू और राहुल उससे बैर रखने लगे थे। मौका देखकर दोनों आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया। बहरहाल पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर लिया है और आरोपियों की तलाश कर रही है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। क्या मैं 7:30 से 7:45 के बीच में अपने घर से शारदा चौक के लिए मित्र से मिलने जा रहा था। बीच में मेरे को मेरे काम करने वाला पुरस्कार मिला तो मैं वहां पर रुक गया। इतने में ही राहुल काला, रिंकू विश्वकर्मा और रिंकू अहिरवार और राहुल विश्वकर्मा मिल गया। इनने पीछे से मेरे को बाकी से वार करना चालू कर दिया। बेवजह मेरे को बकरे से प्राण घातक वार करने बोले, मार डालो उसको आज, जिंदा मत छोड़ो। मैं जैसे जैसे जान बचा के वहाँ से भागा गाली छोड़ के। फिर मैंने आके अपने भाई को इत्तला दी। अभी आप कहाँ दौड़ लगा के? जी अभी कहाँ आए हो? जी मैं थाने गढ़ा में आया हूँ, इनकी रिपोर्ट करवाने बाबत आया हूँ। किस बात को लेके आपका विवाद है? कोई पुराना विवाद नहीं? नहीं, मेरा कोई पुराना विवाद नहीं था। मेरे छोटा भाई बुआ का लड़का सचिन ब्यास था, उनके घर पर इनने छूट की। उनके घर पर इनके पिताजी को इनने धक्का बक्का दिया, उस वास्ते मैंने कम्प्रोमाइज कराया, इनका समझौता करवा और उस वास्ते मेरे को इनने आपका नाम हाँ वार किया। जी आपका नाम? जी मेरा नाम ऋषि दुबे है।